राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम की जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत की शक्ति है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि नागरिकता अधिनियम 2019 को अधिसूचित करने का नरेंद्र मोदी नेतृत्व केंद्र सरकार का कदम देश विरोधी है। जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी व्यक्तियों की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायाब सिंह होंगे, विधायक दल में उन्हें नेता चुना गया। शाम 5 बजे सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बतौर 11वें मुख्यमंत्री सैनी हरियाणा में बीजेपी का बड़ा ओबीसी चेहरा है। मिजोरम सरकार ने 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में एक शिक्षक को निलंबित कर दिया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के मुसरिंग में हिमखलन में झारखंड के 3 मजदूरों की मौत हो गई और 2 अन्य मजदूर घायल हो गए। भारतीय वायुसेना का एक LCA तेजस विमान आज राजस्थान के जैसलमेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे से पहले पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया। हादसा जवाहर नगर में हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल नंदुरबार जिले से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतिम चरण की शुरुआत की। झारखंड के राज्यपाल CP राधा कृष्णन ने मंगलवार को नागरिकता अधिनियम के कार्यान्वयन की सराहना की और कहा कि भारत अनाथों का देश नहीं हो सकता, जो किसी को भी उनकी इच्छा के अनुरूप जब चाहे आने और जाने की अनुमति दे। राजधानी में हवा की गति कम होने व दिशा बदलने से आबोहवा खराब श्रेणी की दहलीज पर पहुंच गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 रहा, जो कि मध्यम श्रेणी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इन विकास परियोजनाओं में रेलवे, बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और पेट्रोकेमिकल सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए हो रहे नवनिर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में करीब करीब 75 दिन में 11,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है और आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। विकसित भारत के लिए हो रहे नवनिर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही है। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के। इन करीब करीब 75 दिन में 11,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और आप देखिए, आज 85,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। और इसके उपरांत समय का अभाव रहता है मुझे, विकास में मैं गति को धीमी नहीं होने देना चाहता, और इसलिए आज रेलवे के ही कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ गया है पेट्रोलियम वालों का। और दहेज में, गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ है। और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ
देश में पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। आज ही गुजरात और महाराष्ट्र में एकता मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ है। ये एकता मॉल्स भारत के समृद्ध कुटीर उद्योग, हमारे हस्तशिल्प, हमारा वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को भी मजबूत होते हम देखेंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं और मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, भारत एक युवा देश है, बहुत बड़ी तादाद में युवा रहते हैं देश में। मैं खास तौर पर मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आज जो लोकार्पण हुआ है वो आपके वर्तमान के लिए है और आज जो शिलान्यास हुआ है वो आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर के आया है। 2014 में देश में आज से 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों ऐसे थे जहां की राजधानी हमारे देश की रेलवे से नहीं जुड़ी थी। 2014 में देश में 10,000 से ज्यादा ऐसे रेल फाटक थे, 10,000 से ज्यादा, जहां कोई व्यक्ति नहीं था, लगातार एक्सीडेंट होते थे और उसके कारण हमारे होनहार बच्चों को, नौजवानों को हमें खोना पड़ता था। 2014 में देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। पहले की सरकारों के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण भी उनकी प्राथमिकता में ही नहीं था। इस परिस्थिति में हर पल कौन मुसीबतें झेल रहा था, कौन परेशानियों पर पीसा जाता था, हमारे देश का सामान्य मानवी, मध्यम वर्ग का परिवार, भारत का छोटा किसान, भारत के छोटे उद्यमी। साथियों, भारतीय रेल को हम आत्मनिर्भर भारत का भी एक नया माध्यम बना रहे हैं। मैं वोकल फॉर लोकल का प्रचारक हूं तो भारतीय रेल वोकल फॉर लोकल का एक सशक्त माध्यम है। हमारे विश्वकर्मा साथियों, हमारे कारीगरों, शिल्पकारों, महिला स्वयं समूहों के स्थानीय उत्पाद अब स्टेशन पर बिकेंगे। अभी तक रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वर्ड प्रोडक्ट के 1500 स्टॉल खुल चुके हैं। इसका लाभ हमारे हजारों गरीब भाई बहनों को हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि भारतीय रेलवे आज विरासत भी विकास भी इस मंत्र को साकार करते हुए क्षेत्रीय संस्कृति और आस्था से जुड़े पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। आज देश में रामायण सर्किट, गुरु कृपा सर्किट, जैन यात्रा पर गौरव भारत गौरव ट्रेनें चल रही है। यही नहीं, आस्था स्पेशल ट्रेन तो देश के कोने से श्री राम भक्तों को अयोध्या तक ले जा रही है। सिकंदराबाद में सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि चुनाव में जितना महत्व प्रचार करने वाले कार्यकर्ता का है, उतना ही महत्व सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर संदेश पहुंचाने वाले का भी। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार भी जनता पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। वहीं शाह ने जनता से बीजेपी को भारी बहुमत से विजय बनाने की भी अपील की। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ ही दिन में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और अप्रैल और मई में हमारा ये महान देश, इसके मतदाता आने वाले 5 साल तक इस देश का शासन किस पार्टी के साथ होगा, किस व्यक्ति के पास होगा, इसका निर्णय करने वाले हैं, फैसला करने वाले हैं। और वो जो फैसला करने वाले हैं उसमें आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। इस जमाने के चुनाव में जितना महत्व घर घर घूमकर प्रचार करने वाले कार्यकर्ता का है, इतना ही महत्व सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर संदेश पहुंचाने वाले कार्यकर्ता। मित्रों, देश की जनता ने एक प्रकार से तय कर लिया है। मैं करीब करीब देश के सभी राज्यों से होकर यहां आया हूं, जिस जिस कोने में गया, जिस जिस हिस्से में गया, जिस मत क्षेत्र के अंदर गया, हर जगह देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना था। युवाओं के बीच में जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। महिलाओं के बीच में जाते हैं,
मोदी मोदी के नारे लगते हैं, गरीबों के बीच में जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, किसानों के बीच में जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। मगर मैं आज आप सभी को मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए इसलिए आया हूं कि चुनाव तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करकर 12 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की जिताने का चुनाव। 400 पार का लक्ष्य सिद्ध करना ही है, परंतु ये 400 में 12 कमल यहां से दिल्ली भेजने का काम तेलंगाना की जनता। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने देश को राजनीतिक स्थिरता देने का काम किया है। आया गया राम की पॉलिटिक्स को समाप्त कर एक छत्र नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली 10 साल तक सरकार नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। मैं बाद में बात करूंगा टीआरएस और कांग्रेस की, लाखों करोड़ों रुपए के घपले घोटाले भ्रष्टाचार इनके सामने आरोप हुए, नरेंद्र मोदी जी पर 25 पैसे का आरोप हमारे विरोधी भी नहीं लगा। नरेंद्र मोदी ने जन कल्याण की नीतियों वाला शासन दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को समृद्ध बनाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित बनाने का काम किया है। हम जब शासन में आए 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, आज फिर से चुनाव में जा रहे हैं, 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन गया है मित्रों। और मैं आपको मोदी गारंटी बताने आया हूं। मोदी जी का गारंटी है, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, दुनिया में तीसरे नंबर का इकोनॉमी हम बन जाएंगे। मोदी जी ने सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी देने का काम किया है। आज भारत स्मार्ट डेटा कंजम्पशन में दुनिया में नंबर 1 है, फिनटेक में नंबर 1 है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 है, तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट है, तीसरा बड़ा ऑटो मार्केट है, और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। ये गौरव मोदी जी ने दिया है। मोदी जी के ये 10 साल सारे वादों के समाप्ति के 10 साल है। भाई और बहनों, आज मैं आया हूं आप लोगों को अपील करने के लिए। मोदी जी ने डेटा का बिल बहुत सस्ता करा है, बिल की चिंता मत करिएगा, एक शर्ट कम पहनिएगा, मगर ये 45 दिन तक मई अंत तक सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी जी के एजेंडा को और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को तेलंगाना के हर युवा के साथ पहुंचाने का काम आपको करना है। आज इस सभागार से जाने के बाद हर युवा, हर भाई, हर बहन ये तय कर जाए, 400 पार तो करना ही है, मगर ये 400 में 12 तेलुगु कमल तेलंगाना से भी भेजना है। देहरादून में मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना अंतर्गत लाभार्थियों को चेक वितरण एवं आंचल शहद का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसान और पशुपालक किसी भी देश व राज्य के लिए नींव होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के पशुपालकों के उत्थान के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करने और स्वरोजगार के अवसरों को सृजित करने के उद्देश्य से राज्य में पशुधन योजना शुरू की गई है। मैं सबसे पहले तो आज पशुधन योजना के जो लाभार्थी हैं, पशुधन मिशन योजना जो प्रारंभ हुई है, उसके लिए मैं आप सभी को अपनी ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं और आपके सशक्त भविष्य की कामना करता हूं कि इस योजना से लाभार्थी होने के बाद आप अन्य क्षेत्रों में भी अपने स्वयं के विकास को आगे बढ़ाएंगे, राज्य की आर्थिकी को बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, किसान और पशुपालक ये किसी भी देश के लिए
या राज्य के लिए, किसी समाज के लिए, ये बहुत बड़ा फाउंडेशन होते हैं, ये बहुत बड़ी नींव होते हैं, किसी देश की मजबूती का बहुत बड़ा आधार होते हैं। अभी भाई सौरभ बहुगुणा जी यहाँ से कह रहे थे कि 2.5% उत्तराखंड की GSDP में हमारे इन्हीं किसान भाइयों का योगदान है। और हमने भी जो अगले 5 सालों में उत्तराखंड की जो GSDP है उसको जो दोगुना करने का लक्ष्य लिया है, वो लक्ष्य तभी हमारा सफल होगा, तभी हमारे राज्य की जो GSDP है दुगनी होगी, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा, हर क्षेत्र आगे बढ़ेगा, हर विभाग आगे बढ़ेगा, हर एक व्यक्ति का उसमें योगदान होगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी आज से दो दिन पहले हमने उत्तराखंड में राज्य की तरफ से और केंद्र सरकार के सहयोग से जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, और एक ही समय में 8,275 करोड़ रुपए के पूरे प्रदेश के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है जो हमने 15% का जो GSDP का प्रत्येक वर्ष बढ़ाने का जो लक्ष्य लिया है, उस लक्ष्य के सापेक्ष हम 13% तक पहुंच गए हैं। और राज्य के अंदर जो हमारी GST कलेक्शन है, GST का जो संग्रहण है, वो GST का संग्रहण का भी हमने एक लक्ष्य लिया था, क्योंकि भारत सरकार की नई GST नीति आने के बाद बहुत सारी जो ग्रांट हमको केंद्र से मिलती थी वो चूंकि एक समान मात्रा में हमारे लिए कम होने लगी, तो हमने तय किया कि इसकी भरपाई हम राज्य के अंदर से करेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पिछले वर्ष 23% जो है GST में बढ़ोतरी की है, GST के संग्रहण में। और उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बाद प्रत्येक वर्ष जो हम एक बड़ा ऋण अपने राज्य की व्यवस्थाओं के संचालन के लिए, विकास योजनाओं के लिए लेते थे, वह भी इस वर्ष हमने न्यूनतम लिया है, माने सबसे कम लिया है। और लगातार राज्य की जो प्रगति है वो आप सब लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। हमारे राज्य में सरकार जो हमारे पशुपालक हैं उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं कि आप सबको हर तरीके से जो सुविधाएं मिल सकती हैं, जो सहायता राज्य सरकार की तरफ से मिल सकती हैं, जो आपके लिए नियोजन हो सकता है, जो आपके लिए योजनाएं बन सकती हैं, उन सभी योजनाओं को हम लाएंगे, उसको अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित करेंगे, अपने राज्य की नीतियों में शामिल करेंगे, किसानों और पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी करने और स्वरोजगार के अवसरों को सृजित करने के उद्देश्य से राज्य में पशुधन मिशन योजना शुरू की है। इसके तहत जहां गाय, बकरी, मुर्गी पालन समेत पशुपालन से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों को छोटे स्तर पर प्रारंभ करने के लिए पशुपालकों को 8-9% कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध भी इसी योजना के अंतर्गत कराया जा रहा है। आज जिन भाई बहनों को पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत चेक वितरित किए जाएंगे, वह इस पैसे को पशुपालन में लगाकर एक समृद्ध और आत्मनिर्भर जो पशुपालक के मतलब जिसकी कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं कि पशुपालन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में उनकी आय दुगना हो, उस आय को दुगना करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने का काम अगर कोई करेगा तो आप ही सब लोग करेंगे जो सब लोग यहाँ पर आए हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises with our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत।
छत्तीसगढ़ के जिला बालोद में कृषक उन्नति योजना व किसान मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को 13,320 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि प्रदान की गई। इसमें 24,72,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों के खाते में पैसे पहुंच चुके हैं और जिनके खातों में नहीं गए हैं उनके खाते में भी कुछ अंतराल में पहुंच जाएंगे। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि आज पीएम मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई है। सबो किसान मन के खाता में पैसा पहुँच चुके से और काकरों में नहीं पहुँचे तो कुछ अंतराल में पहुँच जाएगी। आज एक कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत हमर किसान भाई मन के अंतर के जो राशि है ओकर वितरण समारोह पूरे प्रदेश में 151 जगह रखेगी से 151 जगह और 9 से 10 लाख हमर अन्नदाता किसान मन जुड़ीन है 151 जगह में। और आज हमर लिए सौभाग्य के बात है कि हमर छत्तीसगढ़ के 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में जो हमारे छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास करीन और अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में है ऐसे डॉक्टर रमन सिंह भी जुड़ी ने हैं वर्चुअली उमन के स्वागत में भी अपन करतल ध्वनि से स्वागत कर। और आज के अवसर में हमारे छत्तीसगढ़ के 24,72,000 से ज्यादा किसान जमला कृषक उन्नति योजना में अंतर के राशि आज मिलत है। ऐसे सभी अन्नदाता भाई बहनी मल्ला भी मैं अपन तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूँ। आप मन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी में विश्वास करा और उमन के गारंटी में विश्वास करते हुए पिछले विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ला दिलाओ 54 सीट और 40% से ज्यादा वोट इकलिए आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके बहुत बहुत आभार। 13 दिसंबर के हमन शपथ ले रहे हैं, आज 12 मार्च है तो 3 महीना ये सरकार के पूरा हुई से, लेकिन 3 महीना में ही हमन बड़े बड़े काम कर चुके हैं। मोदी की गारंटी में जो छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से हमर मोदी जी जो वादा करे है ओला हमन पूरा करे के दिशा में कदम बढ़ाई चुके हैं। 13 दिसंबर ला शपथ लेहे के बाद दूसर दिन ही 14 तारीख के पहला कैबिनेट रख के 18 लाख गरीब मन के पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास में बनाए के निर्णय ले ले हन। ये अगले महीना से और काम शुरू भी होगी से, लेकिन व्यापक रूप से अगले महीना से अप्रैल महीना से सबके मकान बनना शुरू हो जाएगी। 2 साल के धान के बोनस 15 साल जब हमार सरकार रही से तो 2 साल के बोनस हमन नहीं दे पाए रहे हैं। वो 12 लाख से ज्यादा किसान मन के धान के बोनस हमन 25 दिसंबर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी और मन के जन्मदिन 25 दिसंबर जोन ला पूरा भारत देश सुशासन दिवस के रूप में मना थे ऐसे दिन में 3716 करोड़ रुपया 2 साल के बोनस बकाया बोनस के राशि भेजे के काम करे हन। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान के खरीदी हुई से हमर खाद्य मंत्री बता रही ने कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान के खरीदी हुई से 145 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी बम्फर खरीदी अभी तक के रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार इस साल करी से 3100 रुपया की बात हो रही से 24,72,000 से ज्यादा किसान इस साल धान बेची ने उमन के समर्थन मूल्य मिल गई। और आज जो अंतर के राशि रही हमर जो मोदी जी गारंटी देहरीन कि हमारी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक मुश्त अंतर की राशि को देंगे। और आज आप सब साक्षी हो कि आज 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि भेजे के काम आज हम यहाँ करे हन। महतारी बंधन योजना अभी 10 तारीख के हमारे प्रधानमंत्री जी जुड़े रही वर्चुअली दिल्ली ले और हमारे छत्तीसगढ़ के 70,12,600 हमार विवाहित माता बहनी मन के खाता में वहाँ से बटन दबा के 655 करोड़ रुपया 1 महीना के पहला किस्त 1,000 के भेजे के काम करी ने। साल में 12 महीना के 12,000 महतारी बंधन के पैसा देना है।
हर महीना उमन के खाता में 1,000 रुपया जाने वाला है। मोदी की गारंटी के वादा भी हमन पूरा करे हन। बहुत बहुत शुभकामना बधाई देते हुए और आप सबके आशीर्वाद जैसे विधानसभा में मिली से वैसे लोकसभा में भी मिले। हमला मोदी जी ला फिर प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार बनाना है। इसलिए कांकेर से हमर प्रत्याशी भोजराज नाग जी हैं, हमला जीता के दिल्ली भेजना है। यही आग्रह करते हुए मैं अपन बात लान करत हूँ। आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में आदिवासी न्याय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में जो भी जल, जंगल, जमीन और धन संपदा है, आदिवासी उसके असली मालिक हैं। राहुल ने कहा कि आदिवासियों के खिलाफ अन्याय हो रहा है और इसे रोकने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। इसके साथ ही राहुल ने जातिगत जनगणना को एक क्रांतिकारी कदम बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में इसे शामिल किया गया है, सरकार बनते ही इसे पूरा किया जाएगा। वहीं राहुल ने कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए वादों पर भी चर्चा की। हिंदुस्तान का जो आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड, जिससे हिंदुस्तान के हर नागरिक को आइडेंटिटी मिलती है, देश को पता लगता है ये है कौन, उसको हमने यहाँ लागू क्यों किया, आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में क्यों लागू किया? क्योंकि हम आपको मैसेज देना चाहते थे कि आप इस देश के ओरिजिनल मालिक हो। सवाल भागीदारी का है और कोई सवाल नहीं है। आपकी आबादी 8%, क्या आपकी भागीदारी 8% है? आपकी आबादी 8%, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। इसलिए मैंने कहा कि दो काम करने हैं। सबसे पहले सबकी गिनती करनी है, इस देश में किस वर्ग के कितने लोग हैं, आदिवासी कितने हैं, तो सबकी सबसे पहले गिनती करनी है। उसके बाद गिनती करने के साथ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे, ये पता लगाना है कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों में, हिंदुस्तान की संस्थाओं में, हिंदुस्तान की सरकारों में, प्राइवेट अस्पतालों में, ब्यूरोक्रेसी में आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, क्या 8% है या नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर 8% कम से कम होनी चाहिए और होगी। इसीलिए मैं हर मीटिंग में कह रहा हूँ, जाति जनगणना, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे क्रांतिकारी कदम है और ये कदम कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डाल दी है और जैसे हमारी सरकार आएगी हम इसको पूरा करके आपको दे देंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक्सरे कराना है, MRI कराना है, यही है जाति जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंशियल सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे। दूसरा वायदा हमने किया, किसानों को लीगल MSP, कानूनी MSP, कम से कम दाम गारंटी करके कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रही है। और आदिवासियों के लिए हमने 5 चीजें, ऐतिहासिक चीजें अपने बजट में आपके लिए डाली हैं। मैं आज आपको उनके बारे में बताना चाहता हूं। हम फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, BJP ने उसको कमजोर किया और जो आपकी क्लेम्स बनती हैं, जो आपकी जमीन की क्लेम्स हैं, उनको पूरा नहीं किया। आपका जमीन का जो हक है वो आपको नहीं दिया। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, 1 साल के अंदर आपकी सारी की सारी जो क्लेम्स हैं उनको हम सेटल कर देंगे, जमीन आपके हवाले हो जाएगी। और जो क्लेम्स आपकी रिजेक्ट की गई हैं, जो गलत तरीके से रिजेक्ट की गई हैं, उनको रिव्यू करके 6 महीने में हम कार्रवाई आपको दे देंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है जो, और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट किया था हमने, बनाया था जमीनी अधिकरण बिल, उसको इन्होंने कमजोर किया है, उसको हम फिर से मजबूत करेंगे और जो आपके अधिकार हैं उनकी आप रक्षा कर पाएंगे। जमीन के लिए आपको सही रेट मिलेगा, 4 गुना रेट मिलेगा और आपका जल, जंगल और जमीन आपके हाथ में, उसका आपका अधिकार बनेगा। तीसरा काम, शायद सबसे ऐतिहासिक काम, जहां भी आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है पूरे हिंदुस्तान में, जहां भी आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है उसे हम 6th शेड्यूल में डाल देंगे। जैसे हमने किसानों के लिए लीगल गारंटी दी है, वैसे ही हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, जो जंगल में उगता है, उसके लिए लीगल गारंटी आपको दिलवा देंगे। और आखिरी काम, जो पैसा कानून है उसमें जो विलेज गवर्नमेंट और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसको हम आपके लिए एस्टेब्लिश करके दिखा देंगे। ये 5 काम हम आपके लिए करने जा रहे हैं। जो ट्राइबल सब प्लान, दलित सब प्लान की बात है, जो कानून आंध्र में बनाया गया है जिससे उस पैसे की रक्षा होती है आपके लिए और वो आपके लिए ही प्रयोग किया जा सकता है, और अगर प्रयोग नहीं होगा अगले साल भी वो पैसा आपका होगा, वो भी हम दिल्ली में कानून बना देंगे। आप सब दूर दूर से आए, एक बार फिर मैं आपको होली की बधाई देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद और धन्यवाद।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।